इस विश्वविद्यालय में बहुत सारे चैलेंजेस हैं और प्राथमिकता सबसे पहली मेरी यह है कि यहाँ पर रिक्त शिक्षकों की रिक्तियों को जल्दी से जल्दी भरा जाए, जिससे कि छात्र छात्राओं की क्षति ना हो, पढ़ाई की क्षति ना हो और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी में भी सुधार हो। जैसे ही शिक्षकों की पोजीशंस भर जाएंगी, यहाँ पर NIRF रैंकिंग यूनिवर्सिटी की भी सुधर जाएगी और भी गतिविधियाँ हैं। नई शिक्षा नीति को भी पूर्ण तरीके से लाना चाहते हैं, जिसके ऊपर अभी हम लोगों को काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, जिससे ऐसे रोजगार परक कोर्सेज हम यूनिवर्सिटी में चालू करें जिससे कि कोई भी बच्चा जो विश्वविद्यालय से निकले है उसके पास कुछ ना कुछ काम करने के लिए उसके हाथ में एक ना एक स्किल हो। मैम, छात्र संघ को लेकर विश्वविद्यालय क्या डिसीजन ले रहा है और अभी किस तरीके से छात्र संघ आंदोलन चल रहा है, तो उसको लेकर कुछ आगे किस तरह से? छात्र संघ के विषय में जो मेरी जानकारी है, पहले ही कोई फैसला हो चुका है और उसके बारे में अभी मैं अपनी कोर कमेटी से बात करूंगी कि क्या उसमें आगे करना है। एक स्टूडेंट काउंसिल है और एक छात्र संघ है और उसमें कुछ फैसला शायद हो गया था पहले, तो उसके बारे में जब मैं बात करूंगी, अभी इट इज वेरी प्रीमेच्योर कि मैं इसके बारे में कोई कमेंट करूं। क्योंकि मैम ऐसा कि स्टूडेंट काउंसिल में सिर्फ दो ही स्टूडेंट काउंसिल में सिलेक्टेड हुए हैं, जिसकी वजह से उसको एक तरीके से भंगी माना जा रहा है। तो आगामी इतने लंबे समय से छात्र आंदोलन चल रहा है और छात्र भूख हड़ताल पे भी बैठे हुए हैं, तो यूनिवर्सिटी किसी तरीके से इस पे मदद करेगी या वो कैन कुछ नया कुछ? छात्रों से मैं कहूंगी इस समय बिल्कुल भूख हड़ताल पे मत बैठें, भूखे लोगों को कोविड पहले अटैक करता है, इसलिए बिल्कुल भूख हड़ताल पे नहीं बैठना चाहिए। और जो भी समय के अनुसार ठीक होगा छात्रों के लिए, छात्र संघ के लिए नहीं, जो छात्रों के लिए सही होगा वो विश्वविद्यालय फैसला लेगा, अभी फैसला नहीं। ये कोविड के चलते सेशन काफी लेट चल रहा है, तो आगे हमें जो परीक्षाएं हैं और जो कोर्स है किस तरह से उसको लेकर तैयारी? थोड़ा थोड़ा करके कवर करेंगे, उसमें हम लोग अभी दिसंबर से जो कोर्सेज शुरू करेंगे उनका एग्जाम फरवरी में करा देंगे, सेमेस्टर को फरवरी में जो होगा उसका एग्जाम मई में करा देंगे, वो कवर हो जाएगा, लेकिन जान को बचाना बहुत जरूरी है। थैंक यू मैम।